नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली में इन दिनों एक अजीब सी रेस चल रही है। वो रेस इस बात की है कि विवादों का मीटर तेज या फिर उपलब्धियों का, और इस मीटर को बढ़ाने वाले आगे हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार। जी हाँ, दिल्ली के दिल में क्या है आज हम कर रहे हैं जंतर मंतर से जोरदार तालियां बजाए इस कार्यक्रम के लिए और हमारे मेहमानों के लिए भी जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। आपका परिचय उनसे करा देते हैं। रागिनी नायक जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। आशुतोष जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे और तरुण विजय साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोलेंगे। लेकिन जो बुनियादी सवाल है आशुतोष जी, जिससे मैंने शुरुआत की थी, वही सवाल आपके सामने कि आप खुद ही बता दीजिए कौन सा मीटर ज्यादा तेज भाग रहा है, विवादों वाला या उपलब्धियों वाला? आप क्या चाहती हैं, मैं राजनीति की तरह जवाब दूं या फिर पत्रकार की तरह जवाब दूं? आप दोनों की तरह जवाब दें, क्योंकि पहली बार आप मैं कम से कम आदमी की तरह जवाब, आम आदमी की तरह, चलिए मैं आम आदमी की तरह जवाब देता हूं। आज की बात अगर आप ले लीजिए तो आज ही जन लोकपाल बिल कैबिनेट से पास हुआ है। दो दिन पहले वैट को लेकर सिंप्लीफाई किया गया है। उसके पहले अगर आप देखें तो जिस तरीके से बिजली के दाम कम किए गए, पानी के दाम, पानी जो है मुफ्त किया गया, साथ ही साथ एंटी करप्शन हेल्पलाइन जारी की गई है, 5,500 ऑटोज के जो है वो जारी किए गए। तो और इसके अलावा 84 के दंगों के लिए SIT 30 साल तक यहाँ दिल्ली में बीजेपी कांग्रेस की सरकार थी, उनको कभी होश नहीं आया। सर अब मैं विवाद गिना दीजिए, रेल भवन के सामने राजधानी के मुख्यमंत्री बैठ जाते हैं धरने पर, दो दिन तक वहीं से फाइलें निकल रही हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी और सीधे निशाना साधते अरुण जेटली पर, कहते हैं कि हमारे विधायक को खरीद रहे हैं, जो पूरी दुनिया को स्टिंग सिखा रहा है। उनके विधायक साहब ने खुद कोई स्टिंग नहीं किया। उसके बाद भी एक के बाद एक, कभी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो कर्मचारी है वो लगातार हड़ताल पर है, उनकी परेशानी दिक्कत, बीच बीच में जाकर नीचक रिएक्शन होता है, लेकिन सुविधाएं नहीं। संगम विहार में बीते दिन विधायक के साथ धक्का मुक्की एक महिला की होती है, वो कहते हैं ये तो बीजेपी की साजिश है। अब अगर जनता नाराज है, 10-15 दिन से पानी नहीं मिल रहा है, वो भी किसी की साजिश है? हमने तो नहीं कहा साजिश है। नहीं, आपके विधायक ने कहा, मैंने पानी के लिए, नहीं कहा साजिश है। मैंने कहा कि भाई ये एक, इसको आप कई तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। पहली बात, 30 दिन अभी सरकार को नहीं हुए हैं और जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस ने भूपू बजाना शुरू कर दिया है, मैं एक सवाल पूछता हूं कि भाई ये सवाल आप मध्य प्रदेश की सरकार से भी कर लीजिए, राजस्थान की सरकार से भी करिए, छत्तीसगढ़ की सरकार से करिए, और जरा नरेंद्र मोदी जी से सवाल, सवाल का जवाब पूछ लीजिए। रहते दिल्ली में, असेंबली शहर में, उन्होंने कहा कि 50 लाख मकान बना के देंगे। रहते आज तक एक भी मकान बनाने, अरविंद केजरीवाल से आप पूछ रहे हैं कि 30 दिन में आपने क्या किया, 30 दिन में आपने क्या किया? मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों को इतनी उम्मीदें हैं अरविंद केजरीवाल से कि उनकी सरकार एक ईश्वरीय रूप में है और सारे कर देगी। बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि लोगों के अंदर इतनी उम्मीदें हैं, इतनी आशाएं हैं, और हम इन उम्मीदों में आशाओं की कदर करते हैं और ये जानते हैं कि हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं, हमसे गलतियां भी होंगी, हम अपनी गलतियों को भी मानेंगे, उन गलतियों को आपके कहने पर सुधारेंगे भी। झूठ बोलना इनका मूलभूत अधिकार है, ये कह दिया अरुण जेटली जी ने, तो जो वो कर रहे हैं वही कीचड़ आप भी उछाल रहे हैं, तो फिर फर्क क्या रह गया? आप भी तो महान बनने का एक बहुत बड़ा मौका खो रहे हैं ना। देखिए, इन लोगों को ये एहसास दिलाना होगा कि सरकार मंडी हाउस का रंगमंच नहीं हो सकती। आपको कुछ ठोस उपलब्धि करनी होगी, गंभीरता से बात करनी होगी। अगर मुख्यमंत्री धरने पर बैठते हैं तो सत्ता वाले और अफसर क्या करेंगे, और जब खुद आप अपने ही बोझ से चरमरा रहे हो तो दूसरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही अपने बोझ से चरमरा रहे हैं। हम लोग तो पूरे देश में एक अद्भुत अभियान और क्रांति ला रहे हैं, हमें इनकी जरूरत नहीं है और इनके बारे में कुछ सोचने करने की जरूरत नहीं, कुछ करके दिखाएं। ये कहते हैं कि ये अगर यहाँ पानी नहीं दे पाते हैं तो लखनऊ के मुख्यमंत्री से शिकायत करो। अरे रहते हम दिल्ली में और शिकायत हम लखनऊ या मध्य प्रदेश में करेंगे, दिल्ली से ही तो करेंगे, तो कुछ करके दिखाओ। बीजेपी की मीटिंग में ना सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल पर ही रणनीति बनती है आजकल, क्या ये सच नहीं है? क्या बात कर रहे हैं? हमारी रणनीति है हिंदुस्तान को बढ़ाने की। हमारी रणनीति, हम तो कहते हैं अरविंद केजरीवाल एक बार एहसास कर लो कि आप मुख्यमंत्री हो और रंगमंच में नहीं हो, तब तो सत्ता चलेगी। सत्ता चलाओ रागिनी नायक जी, आप ना वसुंधरा अच्छी सत्ता चलाओ, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ। रमन सिंह पहले तो तरुण, हर पूरे सपने में अरविंद केजरीवाल। बात ये है कि अरविंद केजरीवाल और श्री नरेंद्र मोदी दोनों आत्ममुग्धता से ग्रसित हैं और यथार्थ से परे हैं, और राहुल गांधी
राहुल गांधी उनके पैर धरातल पर हैं। जरा देखिए बोल कौन रहा है। सहारा ये दे रहे 2004 में ऐसा ही कौन है हुआ था। ये दोनों तो एक ही थैली के चट्टे बच्चे हैं। निरपेक्ष विकास की तरफ देश उन्मुख है और वही रहेगा। माफ कीजिए आपको मैंने टोका नहीं, आप भी मत टोकिए, थोड़ी धैर्य आप भी दिखाएं। दूसरी बात, आपने झूठ फरेब की बात की। अभी कुछ दिन पहले नितिन गडकरी जी ने भी इसी तरीके का एक आरोप लगाया था बिना किसी पुख्ता प्रमाण और सबूत के, और कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिली हुई है। उसके बाद कुछ नहीं दिखा पाए, कोई सबूत नहीं दिखाया। आज अरविंद केजरीवाल ने भी उसी तरीके का एक चीज सामने लाकर रखी। मेरे ख्याल से संजय सिंह ने वो प्रेस वार्ता की और उन्होंने भी इल्जाम लगाया। तो ये झूठ फरेब का जो पुलिंदा है वो दोनों पार्टियों की मुझे लगता है इनका स्वरूप है और इनका स्वभाव है। लेकिन एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगी, लोगों के सवाल है, एक छोटी सी चीज जोड़ना चाहूंगी कि बिन्नी का जो बगावत का बिगुल बजा है उसने बहुत सी चीजें यहाँ पर साफ कर दी है। बात यह है कि अभिमन्यु की कौन बात मानेगा, नाश्ते के बाद अंकिल पे बैठे दोपहर में तोड़ देते हैं। आम आदमी पार्टी सुबह निकले थे कल शाम में, कहा आज उनकी बगावत की बिगुल की जो ध्वनि है उसकी प्रतिध्वनि सक्षम लग रही है क्योंकि दो और विधायक साथ में है, ये आपको मानना पड़ेगा। और दो और विधायक है जिसकी बात कही गई, दो इंडिपेंडेंट विधायक भी निकल दिए और दूसरे जो शौकीन साहब थे वो भी चले गए। और दो अच्छा दो और की बात है, लेकिन लेकिन आता नहीं है ना। मैं राजनीति जी को बात यह है, ज्यादा से ज्यादा पाँव पसार लिए जा चुके हैं। अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में अंदर जाना तो पता था लेकिन बाहर का रास्ता अब निकल नहीं पा रहा है। इसीलिए बार बार कहते हैं कि सरकार कल गिरती है तो आज गिर जाए, लेकिन जनता से कोई सरोकार नहीं है। एक सवाल मैं राजनीति से सवाल, नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली का नाम जिस मंच से आप तीनों ने आज लिया है, आप लोग अगर साबित नहीं कर पाते हैं उनके खिलाफ कि इस तरह से 20 करोड़ रुपए देने का, आपको लगता है जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है उसका नाम इस तरह से गैर जिम्मेदाराना था, अगर नहीं साबित होता है तो क्या आप संजय सिंह और आपकी पार्टी माफी मांगेंगे? माफी किस बात की? किसी का नाम किसी पर आरोप लगाना झूठ बोलना तो हमारा धर्म है, झूठ बोलना तो हमारी नीति है। माफी को मांगेंगे, सुन लीजिए बात को, झूठ बोलने पे माफी मांगेंगे? नहीं नहीं नहीं, जरा गडकरी जी से एक मिनट, जरा गडकरी जी से पूछ लीजिए। असंवैधानिक काम करके भी माफी नहीं मांगी तो झूठ बोलने जरा गडकरी जी से पूछ लीजिए कि वो अरुण जेटली और जो पूर्ति का घोटाला था उसका कच्चा चिट्ठा कौन खोल रहा था, कौन लोग उसके पीछे थे, आप पूछिए। आप बोल रहे थे उमा भारती जी ने तो सारे कैमरे के सामने कहा कि दिल्ली के अंदर बैठे हुए तमाम लोग हैं आज से 5 साल पहले जो मीडिया के अंदर खबरें प्लांट करते हैं, और उसके बाद उमा भारती का जिस तरीके से एक मिनट अरुण जेटली तरीका है अरुण सॉरी एक मिनट बात खड़ा कर रहे हैं एक मिनट अरुण सॉरी तो आप मुझसे मत पूछिए कि कौन यहाँ पे झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। देखिए मैं जवाब देता हूँ, मैं भी पत्रकार हूँ, पूछ लीजिए। अब मेरी जेब में भी PIB का कार्ड है, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ, सहारा उनका लेते हैं और झूठ हमारे बारे में बोलते हैं। अरे छोड़ दो, लेकिन आपकी तरह छोड़ दो, मत सहारा लो, ये खराब लोग हैं। आशुतोष जी अगर कांग्रेस वाले इतने खराब हैं तो उनका सहारा मत लीजिए, करिए तो कम से कम कर लीजिए तो सही है। 900 ऐसा नहीं करना चाहिए, आपकी तड़प पड़ी है, वापस लड़ लीजिए ना, पहले अंजना पहले इन लोगों को लड़ने दीजिए पहले। लेकिन कुछ सवाल लेते हैं जनता, एक दूसरे को सहारा देते हैं फिर हमारे सामने लड़ते हैं। अगर आपकी तड़प समझ में आ रही है, अरे आपकी तरह जिम्मेदारी छोड़ दो आप इनको सहारा छोड़ दीजिए। मेरा सवाल आशुतोष जी से है, आप क्यों इनकी सरकार बनाए हुए हैं, महिला सुरक्षा को लेकर के इन्होंने क्या किया? दो सवाल है मेरे, और दूसरा ये है कि सीएम बनने से पहले केजरीवाल जी कहते थे कि मेरे पास शीला दीक्षित के खिलाफ इतने सबूत हैं कि मैं उनको जेल भिजवाऊंगा, लेकिन आज वो बीजेपी से कहते हैं कि आप सबूत लाके दो तो मैं शीला जी को अंदर जवाब दीजिए। जवाब दूं? एक मिनट, आपने कहा महिला सुरक्षा के लिए क्या किया है? नहीं नहीं शीला जी, एक मिनट सर, एनसीडी के लिए सर, एक मिनट सर, भाजपा द्वारा शासित एनसीडी के लिए भी कहा था गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले सुविधा के अनुसार अरविंद केजरीवाल ने भाषण दिया है, उसमें उन्होंने कहा महिला सुरक्षा दल के गठन के आदेश दे दिए गए हैं।
महिला सुरक्षा दल के गठन के आदेश दे दिए गए और इस वक्त जब हम आप बातचीत कर रहे हैं उस वक्त शीला दीक्षित के खिलाफ FIR दर्ज करने के भी आदेश हो चुके हैं। एक मिनट एक मिनट एक एक बात सुन लीजिए, बात सुनिए ना, एक मिनट बात नहीं एक मिनट सुन लीजिए पहले आप बात, अगर आप बात नहीं सुनेंगे तो बात नहीं बन पाएगी ना। जल्दी से जवाब, आपने कहा जो पिछले कई सालों से पड़ा हुआ था उनके पास लोकायुक्त के पास राष्ट्रपति के पास गई थी, राष्ट्रपति का रिकमेंडेशन आया, उस पर दिल्ली सरकार कोई काम नहीं कर रही थी। आज जस्टिस मनमोहन शरीर के रिपोर्ट के आधार पे अरविंद केजरीवाल ने अब से 3 घंटे पहले बाकायदा केस दर्ज करने और FIR दर्ज करने की बात की। और इस खबर की पुष्टि मैं भी करती हूं, एक मिनट, खबर हमने पढ़ी है, इजाजत दी गई है दिल्ली सरकार की तरफ से, इसके अलावा अब जांच होगी शिलालेख। मैं आपको जानकारी दे दूं, इसके अलावा CWG कॉमनवेल्थ गेम्स साथ ही साथ जलबोर्ड, इन दोनों मामलों में भी अच्छी तरीके से पड़ताल चल रही है, कुछ दिनों के अंदर आपको ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। कुछ और सवाल के घोटालों का क्या हुआ? और लेकिन मैं चाहूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा जरा वायदा किया था, मैं चाहूंगा कि बीजेपी की तरफ से तरुण विजय जी ये बता दें कि 13 लोकायुक्त में, मध्य प्रदेश लोकायुक्त के सामने 13 मंत्रियों के केस थे, उनमें कितनों के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत और परमिशन दी गई। हमने एक सबके सामने, सबके सामने यहाँ सबके बारे में कार्रवाई की गई, लेकिन 13 लोकायुक्त के पास 13 मंत्रियों के खिलाफ लोकायुक्त की शिकायत, एक भी कार्रवाई ऐसी नहीं हुई है जो कानून। देखिए हम तो ये चाहते हैं कि कुछ तो करें, लेकिन बहुत क्लीन, लेकिन कानून हाथ में ना ले, नहीं बनाएंगे ये। और अभी नॉर्थ ईस्ट के बच्चे यहाँ पे थे, ना 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 ना, एक भी बच्चे ने नहीं कहा, नॉर्थ ईस्ट के बच्चों का यहाँ पे मर्डर हुआ, कोई कार्रवाई नहीं। 13 मंत्रियों का सवाल पूछा है, कैलाश विजयवर्गीय से लेकर तमाम मंत्रियों पर वो आरोप है, लेकिन वहाँ पर तो आप जांच की बात, पूरी कार्रवाई हुई है, सब कार्रवाई हुई है। आशुतोष जी, ये सवाल ये मैं भी आपसे ही सवाल करना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए जितने रेप अब इन दिनों हो रहे हैं और उनके लिए कुछ नहीं हो रहा, और दूसरा जल बोर्ड की बात, पहले मैं एक एक अपना सवाल कर लूं, और जल बोर्ड की बात, जल बोर्ड आप कहते हैं 700 लीटर पानी फ्री, उससे पहले ही मीटर बदल दिए गए, जो डिजिटल मीटर्स हैं और जो फास्ट चल रहे हैं उसका आप पानी कैसे करेंगे? और बिजली का आप बात करें, बिजली पहले ही इतनी ज्यादा जा रही है, कहाँ पे रहती है? कहाँ रहती है? पीतमपुरा में रहती हूँ, और इतनी ज्यादा बिजली जा रही है, कहाँ हमारी 5 मिनट भी बिजली नहीं जाती थी? आपने 3 सवाल किए हैं, नहीं सुनिए, अभी एनएचपीसी ने आपके जवाब दे दिए हैं, अब 10 घंटे का आपने कहा कि दिल्ली के अंदर बलात्कार बहुत होते हैं, दिल्ली की सरकार क्या कर रही है? दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास नहीं है, हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए चिंतित थे, परेशान थे, इसलिए हमने जाके धरना दिया। जब शीला जी ने बात कही थी, और हम लोग, और मैं आपको बता दूं, केजरीवाली सबसे बड़े खड़े होकर ये कांग्रेस, ये रागिनी, रागिनी ये जो है ये पलायनवादिता है, ये आई डिड इंटरप्ट, एक मिनट, इट इज नॉट, इट इज नीदर अ मोनोलॉग नॉर अ स्पीच, लेट कि मैं पूर्ण असेंबली में साझेदारी दिखाई है, वो यहाँ भी दिखाई है। 15 साल से कांग्रेस की सरकार थी, पिछले दस साल से यूपीए की कांग्रेस की सरकार है, पूर्ण राज्य का दर्जा की बात कांग्रेस करती है, और पिछले 10 सालों के अंदर पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया। अगर पूर्ण राज्य का दर्जा होता, लाइन ऑर्डर पुलिस के पास होती, तो आज ये दिक्कत नहीं आती। मैं अंजना जी, मैं कह रहा हूँ, एक महीना वक्त गुजरा है अभी, आप इंतजार करिए, 5 साल का वक्त बहुत लंबा, ये तो 15 साल से बैठे हुए, कोई कार्रवाई नहीं। एक्चुअली मैम, मैं कहना चाहता हूँ आशुतोष सर से, दिल्ली जो दिल्ली के रहने वाले हैं, उन्होंने उनके ऊपर टाइम बाउंड फ्रेम नहीं लगाए थे कि आप 1 महीने में हमें ये चीजें करके दो या 10 दिन में हमें लोकपाल दो। इट्स ओनली एंड ओनली यू, आपने बोला था, आपने लोगों को बोला कि हम ये करके दिखाएंगे, नॉट पुटिंग योर एफर्ट्स इन अ राइट डायरेक्शन, इट्स लायबिलिटी ऑफ यू। ठीक है, रायमती के सवाल पूछेगा आशुतोष जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आप पार्टी नैतिकता के आधार पे काम करती है, यदि आने वाले कुछ समय में 4-5 विधायक विड्रॉ कर लेते हैं, आपसे समर्थन ले लेते हैं, तो आपकी पार्टी केजरीवाल साहब नैतिकता के आधार पे सीएम पद से इस्तीफा देंगे या नो कॉन्फिडेंस मोशन का इंतजार करेंगे? उसी वक्त इस्तीफा दे देंगे। चलिए ठीक है, उसी वक्त। देखो भाई, खामोशी के साथ सुनो, सबसे पहली बात यह है,
जो बेचारा दिल्ली का वजीर आला बन के आया वो जल्दी जाने वाला है, जल्दी देर मत लगाओ। आप भविष्यवाणी मत कीजिए, सवाल पूछिए सर। सबसे बड़ी बात यह है चाचुतोषा, मैं आपको पुराना जानता हूँ लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, कहाँ इसकी बात आ रही है शीला दीक्षित वो करके गई है। मैं तवज्जो चाहूंगा कि शायद इस 50 साल के सर सर सवाल 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 नहीं है। मेरा सवाल नए नवेले नेता आशुतोष जी से है। आशुतोष जी ये बताएंगे कि आपने जो मोदी जी के ऊपर आरोप लगाया है, क्या ये फोबिया नहीं है मोदी का कि कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो मोदी के नाम से इतना घबरा गए हैं कि उन्हें कुछ और दिखाई नहीं देता? मोदी मोदी मोदी। जवाब दीजिए आशुतोष जी। इस बार मैं कांग्रेस के लिए सवाल लूंगी राजनीति ताकि आपके पास आऊं। जरा बीजेपी के बड़े नेताओं से पूछ लीजिए, आजकल वो सकते में है, आजकल वो सकते आम आदमी पार्टी के नाम पर, उनको डर लगा हुआ है। कुर्सी जिससे ये निकाल रहे हो कह रहे झूठ बोलेंगे पर माफी नहीं मांगेंगे, झूठ बोलेंगे लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। अरे कोई तो साबित करो, गडकरी साहब, जेटली साहब, अब मोदी साहब तो हिंदुस्तान के भारत भर के विधाता बन रहे हैं। अरे मुबारक हो आपको। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे कांग्रेस लीडर और बीजेपी लीडर से है। कांग्रेस के जो मोहम्मद आसिफी अभी वो कह रहे हैं बाटला की जांच होनी चाहिए, आप 15 साल से सरकार में थे, आपने क्यों नहीं जांच कराई? बल्कि पी चिदम्बरम ने गृह मंत्रालय में रहते हुए उसे क्लियर चीट दे दी थी। और बीजेपी से क्वेश्चन ये है कि वो अब पीठ अपनी थपथपा रहे हैं कि 1984 के दंगों में सिख दंगों के लिए SIT की जांच बैठानी है। आपने अपनी जब सरकार थी कुछ नहीं किया, आम आदमी पार्टी की सरकार ने आती SIT जांच भी बैठाई और सब मुद्दों पे काम करी। ये ड्रामा और ये SIT खेले। आपको जानकारी होनी चाहिए 84 के दंगों में सबसे गहरी जांच केवल भाजपा ने कराई और इन लोगों से पूछो उन्होंने मोहनलाल शर्मा का अपमान किया, इंस्पेक्टर मोहनलाल शर्मा का अपमान किया। देखिए चाहे वो तरुण जी कुछ भी कहें, यहाँ पर आशुतोष जी भी खड़े हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने SIT की मांग की, इन्होंने चुनाव से पहले भी कहा कि बहुत सारे घोटाले हुए, इन्होंने ये भी कहा कि बिजली के घोटाले ऑडिट करेंगे, उस ऑडिट के पैसे को हम इस्तेमाल करेंगे बिजली के बिल को कम करने में, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, इन्होंने सब्सिडाइज किया। मैं आ रही हूँ इसी तरीके से कॉमनवेल्थ गेम और SIT की भी ये बात कर रहे हैं, उसको भी करके देख ले। जो हम मैं आज भी कह रही हूँ कांग्रेस का दामन साफ है, आप उठाइए, आप करिए प्रोब, आप निकालिए, आप करिए जांच पड़ताल, जो निकल के आए। सवाल राजनीति से करना चाहता हूँ, इनके कन्विक्टेड मंत्री बाबूलाल बुखारिया कैबिनेट में रहे, हमारे कांग्रेस पार्टी के ऊपर आप ये कभी नहीं कह सकते। यदि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार से लिप्त पाया गया तो उसको पद से उसी समय हटाया गया है। RTI लाने वाली कांग्रेस पार्टी, लोकपाल बिल लाने वाली कांग्रेस पार्टी, 6 और बिल की हम बात कर रहे हैं जो कि भ्रष्टाचार को इस देश से पूरी तरह हटाएगी। तो केवल एक सवाल राजनीति जी से, एक टू द गैलरीज नहीं है, एक सवाल देश के लोगों के लिए। राजनीति जी आप कहते हैं मैं मान लेता हूँ आप सबसे ईमानदार पार्टी है, हमें केवल वो नाम बता दो जो राहुल जी ने कहे कि 84 के दंगों में वो कांग्रेसी भी शामिल रहेंगे, वो नाम हमें बता दो, बस वो नाम हमें बता दो। मौन धरना पड़ता है ना, मजबूर कर दिया राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के नेताओं को। अंजना जी एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर, इतना हल्का प्रोबेबिलिटी फैक्टर नाम बता दीजिए, बात खत्म। शायद हो सकता है, आप मुंह में शब्द मत डालिए कि कोई कांग्रेसी नेता भी हो, कम से कम हमारा चरित्र ऐसा है कि अगर कोई कांग्रेस नेता 84 के दंगे में पाया गया तो उसके खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी काम करेगी। क्या आप ऐसा कह सकते हैं? तरुण जी मुंह मत फेरिए, आप ये बात कह सकते हैं? क्या आपकी पार्टी का चरित्र ऐसा है? आज इस देश की जनता के सामने बोल के जाइए ये बात, हमारे नेता में इतना दम है कि ये बात को कहने के लिए उनका। अरे चरित्र, एक सेकंड, चरित्र की बात अलग से कर लेंगे, लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने हल्के में ये बयान दिया था, मुश्किल उन्होंने खुद। मैं कहना चाहता हूँ आप पार्टी ने तो सोच रखा है कि हमने झूठ बोल के जनता को बहकाना है। दूसरा सर राय मत दीजिए, सवाल है तो सवाल कीजिए, जनता के प्रतिनिधि हैं आप, जनता है। अभी बीजेपी ने कहा लोकायुक्त का आपका एक पार्षद रोहिणी से वार्ड नंबर 21 है, लोकायुक्त में अपराधी पाया गया, क्या आपने कोई कार्रवाई की? करेंगे। आप बताइए, आप कह रहे हैं मैं दिल्ली, अब मध्य प्रदेश नहीं कह रहा हूँ, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, सबके बारे में। दिल्ली के दिल में क्या है जंतर मंतर से, जंतर मंतर इसलिए क्योंकि यहीं से अरविंद केजरीवाल के आंदोलन की शुरुआत हुई थी, आंदोलन से सरकार, सरकार से वापस आंदोलन, और फिर अब उस कसौटी पर कि क्या दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर वो खरे उतर पा रहे हैं, यही सवाल आज दिल्ली के लोग सीधे पूछ रहे हैं। कुछ सवाल पहले ले लेते हैं।
टीना शर्मा जी, आम आदमी पार्टी की वो सदस्य जो बहुत नाराज है पार्टी से, तो मुझे पता है आप आग उगलेंगे फिर भी उगलिए। देखिए मेरा सिर्फ प्रश्न इतना सा है कि बहुत सैड है ये देखकर कि जो पार्टी पावर में आने से पहले 2013 से के बाद पावर में आने से पहले बिजली के तार जोड़ रही थी, जंतर मंतर का सैनिटरी ब्रेक कर रही थी, जब गुड़िया गैंगरेप हुआ था तो हॉस्पिटल का सैनिटरी ब्रेक किया था लॉ एंड ऑर्डर का, अब क्या कर आज 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 टीवी चैनल पे केजरीवाल जी आते हैं और हमारे ही साथ बोलते हैं कि अभी एक एक हफ्ते में चिंतन करेंगे कि गैंगरेप क्यों हो रहा है। पहली बात, इतना सेरेमोनियल आप महिला मुद्दों पे कैसे हो सकते हैं, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि बरखा सिंह जी को इन्होंने क्या कहते हैं उनका नाम हटाया वेबसाइट से, और उसके बावजूद इन्होंने कहा कि बरखा सिंह जी को जो लेटर इन्होंने एलजी को दिया वो एलजी ने वापस कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप पॉलिटिकल एडजस्टमेंट या पॉलिटिकल जो आपकी सहूलियत है उसके आगे काम क्यों कर रहे हैं? आपकी जो सियासी महत्वाकांक्षाएं हैं वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। देखिए मेरी तो कोई सियासी महत्वाकांक्षाएं थी नहीं पार्टी, क्योंकि मैं पार्टी के पास पहले मैडम इससे पहले आप बीजेपी में भी कोशिश कर रही थी टिकट लेने की। देखिए मैं बीजेपी से मैं भी अब आपके इतिहास पर तो दिल्ली का भविष्य टिका नहीं है ना विकास टिका है, इस सवाल को बिल्कुल दरकिनार करते हुए अगले सवाल। हेलो खड़े हो गए बोलो। हाँ देखिए मैं इनसे आशुतोष जी से क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जब केजरीवाल जी धरने में बैठे थे राजपथ पे तो उन्होंने कहा था कि पुलिस वाले भी अपनी वर्दी उतार के हमारे साथ आके बैठ जाएं, कमिश्नर को मैं देख लूंगा, और दूसरा उन्होंने कहा था दूसरे लोग भी आ जाएं। तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है कि लोगों को अपनी ड्यूटी करने से रोकना, पहली बात। और जवाब दीजिए आशुतोष जी, जवाब दीजिए, ऐसे मत कीजिए मैम। आशुतोष जी जवाब, पुलिस वालों को उकसाना, वर्दी उतारो, कोई तो काम करेगा देश में, सब धरने पर बैठेंगे। मुझे लगता है कि इस देश को एक बार याद दिलाना पड़ेगा जयप्रकाश नारायण का, जिसके बारे में बहुत बातें करते हैं तरुण जी, इनकी पार्टी बहुत बातें करती है। क्या नारायण, क्या आप लोगों का क्या मुद्दा है, कौन सा सवाल, जल्दी से। ऐसा है 50% इलेक्ट्रिसिटी बिल इन्होंने बोला था कम करने के लिए, 50% कैसे कम करा, 12 घंटे लाइट चली, 50% तो वैसे ही बनाएगा लेकर। और इस दोनों के मुद्दे पर जल्दी जल्दी सर, जल्दी जल्दी जवाब आशुतोष जी से शुरू करते हुए आपके पास, फिर आपके पास जल्दी से। उनका कहना है बिजली बिल को भी लेकर पहले इनसे पूछिए कि वे बीजेपी के सदस्य हैं या नहीं। अरे हैं, उनका जवाब दे दीजिए। फिर भी अधिकार, प्लीज आप, प्लीज आप आइए। हम कट्टर कांग्रेसी हैं, हम कोई बीजेपी की नहीं है। जो 12 घंटे बिजली का आपने बोला, 12 घंटे लाइट चलेगी, तुमने खुद ही साबित कर दिया तुम कांग्रेस से जुड़े हुए हो, इसलिए सवाल आम आदमी का है, सवाल आम आदमी का है, सवाल आम आदमी का है, वो भरोसा न उठ जाए इसके लिए आशुतोष जी क्या होगा। संगम विहार के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ 10-12 दिन से पानी नहीं आ रहा है, वोटर माफिया पर सवाल पूछ रहा हूँ। पानी का देखिए है नहीं, पूछ रहा, ये बीजेपी के बारे में पूछ रहे हैं, बीजेपी के बारे में तो उनको मार जाएंगे, वो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है, उनको सवाल पूछने का हक नहीं है, मोटिवेटेड सवाल पूछने का हक नहीं है, ईमानदारी से सवाल पूछने का हक है इस देश के अंदर। आप मोटिवेटेड तरीके सवाल पूछेंगे नहीं चलेगा यहाँ पे, यहाँ पर अगर आप चाहेंगे तो नहीं चलेगा, सवाल नहीं होना चाहिए, जानबूझ के हमला नहीं होना चाहिए, ये था। विधानसभा में आम आदमी पार्टी की टोपी पहनकर सदस्य चले जाते हैं तब बुरा नहीं लगता, कांग्रेस या बीजेपी का कोई व्यक्ति सवाल पूछता है तो बुरा लगता है, डबल स्टैंडर्ड है। मेरा सवाल आशुतोष जी से है, कोई अगर क्वेश्चन आपके खिलाफ कर रहा है तो वो बीजेपी का हो गया। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपका एसएचओ ने आपकी बात नहीं मानी, आप धरने पे बैठ गए, बलात्कार के खिलाफ कोई नया कानून बनाने के लिए आप धरने पे क्यों नहीं बैठे? बिल्कुल बैठेंगे, चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, बिल्कुल बैठेंगे, आप हमारे साथ आइए, आप भी बैठिए, आप आइए हमारे साथ, हम भी बैठते हैं कल धरने पे, चलिए कल से बैठते हैं, आइए कल से बैठते हैं। कि ये सरकार किस तरह से जाती हुई दिख रही है, और अगर मोदी या फिर जेटली पर आरोप लगते हैं तो साबित नहीं हो पाते हैं, तब क्या होगा? हालांकि सरकार और उसके सामने जो चुनौतियां हैं, अरविंद केजरीवाल शायद इसीलिए सचिवालय में जूझ रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक।